दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी शॉक रह जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि रोमन साम्राज्य के स्ट्रेसबर्ग के अलेसस नाम की जगह में रहने वाली फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक महिला सड़कों पर जाकर अचानक नाचने लगी। जी हाँ, वो ऐसा क्यों कर रही थी किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ 30 से 35 लोग और उसके साथ नाचने लगे और कुछ समय बाद इनकी संख्या 400 पार पहुंच गई। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जी हाँ, कई दिनों तक। और फिर कई दिनों तक डांस करते रहने के बाद उनमें से कई सारे लोगों की मौतें होने लगी। डॉक्टरों ने इसका कारण स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक और थकावट बताया। ये घटना फ्रांस में जुलाई 1518 में हुई और इस घटना को इतिहास में डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 कहा जाने लगा। इतिहास की इस घटना को लेकर हर किसी विद्वान का अलग अलग मत है। कुछ का मानना ये था कि हर दिन लगभग 15 लोगों को मार दिया जाता था, लेकिन कुल कितनी मौतें हुई इसका जिक्र अभी तक कहीं नहीं मिला है। ये दावा है जॉन वॉलर का, जिन्होंने इस विषय पर कई सारे जर्नल्स, लेख और किताबें लिखी हैं। इस विषय पर उनकी किताबें अ टाइम टू डांस, अ टाइम टू डाई, अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग 1518 मुख्य है। कुछ विद्वानों का मानना ये था कि उन लोगों के द्वारा फफूंद या मनोरासायनिक उत्पादों का सेवन किया गया था जिस कारण से ये हुआ। इसे मास हिस्टीरिया या जन मनोचिकित्सा बीमारी में होने वाले साइकोजेनिक मूवमेंट डिसऑर्डर का उदाहरण भी बताया गया है, जिसमें कई सारे लोग अचानक एक ही तरह का विचित्र व्यवहार करने लगते हैं। इस घटना को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।